नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में हुई घटना में मोती सिंह मंत्री की बर्खास्ती की मांग को लेकर तमाम सामाजिक संगठन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि आज राजधानी लखनऊ नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कुर्मी युवा महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रतापगढ़ में मारपीट और अभद्रता का विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया है। ये सब खेत जोतने वाले लोग हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आए हैं, तो ये आवाज जानी चाहिए और कार्रवाई करें, सामंतवादी खत्म करें, व्यवस्था मानवतावादी व्यवस्था कायम करें। ये खुद की धरती है, आप लोग सामाजिक दूरी नाम मेंटेन करके लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मोती सिंह को बर्खास्त करो। मोती सिंह बर्खास्तगी की मांग क्यों कर रहे हैं आप? मोती सिंह हमारे पिछले समाज के ऊपर अत्याचार करवा रहा है, अपने आप फ्रंट पे आने की हिम्मत नहीं है और दूसरे लोगों से गुंडाओं गुंडों को भेजकर हमारे जो निचले तबके के लोग हैं उनको मरवाने का काम कर रहा है। किस जगह की घटना है ये, कहां को लेकर? प्रतापगढ़ की घटना है, प्रतापगढ़ के साथ साथ सुल्तानपुर, रायबरेली और रायबरेली बाराबंकी अन्य हर जिलों में भी कुर्मियों को बराबर कंटिन्यू मारा जा रहा है। कुर्मियों को ही नहीं, इस मनुवादी सरकार के द्वारा कुर्मी समाज, पासी समाज, धानुक समाज, अभी कुछ दिन पहले धानुक समाज को भी मार दिया गया, अभी माधव मारा गया, कुर्मी मारा गया। आप समझ लीजिए, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये सारे लोग सामाजिक हैं, जो समाज का दुख दर्द समझने वाले लोग हैं। ये लोग सड़कों पे नहीं आते, ये तो क्षेत्र में समाज के बीच काम करते हैं, तो आज इनको मजबूरी में सामाजिक संगठनों को सड़क पे आना पड़ा है विधानसभा के सामने जो है अपना बात रखने के लिए। तो सरकार सुने, कोविड के रूप में अपनी कमजोरियों को छिपाने का मन कर रहे हैं, ये कमजोरियां हैं। मोती सिंह को बर्खास्त करो, मोती सिंह को बर्खास्त करो। तो आप लोग देख सकते हैं लगातार मोती सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। बंद करो अत्याचार, बंद करो बड़े पंडितों को, पीड़ितों को न्याय दो। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।